हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज आप लोगों को मैं टोटल वॉस्टेम क्रिएटिव स्टूडियो में कैसे देखते हैं वो आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो पहले मेरे चैनल में जो न्यू फ्रेंड है वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले हम YT स्टूडियो जाएंगे। YT स्टूडियो को क्लिक करें। जब हम YT स्टूडियो क्लिक करेंगे तो हमारा वहाँ पे दिख जाएगा जो वॉच टाइम व्यू और सारा चीज़ दिखेगा। तो हमको वॉच टाइम क्लिक करना है, तो वॉच टाइम क्लिक कर लेते हैं। वॉच टाइम क्लिक करने के बाद अगेन आपको दिखेगा वहाँ पे जो कितना हमारा वॉच टाइम हुआ है टोटल। तो वहाँ पे वॉच टाइम लिखा हुआ है, वॉच टाइम को अगेन हमको क्लिक करना है। तो वॉच टाइम क्लिक कर लेते हैं। वॉच टाइम क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे दिखेगा 28 दिन, 7 दिन, 48 घंटे, 60 मिनट्स। तो हमको क्या देखना है वहाँ पे, 365 डे का देखना है, वो ओरिजिनल वॉच टाइम होता है। अगर आपको लाइफ टाइम देखना है तो लाइफ टाइम क्लिक करेंगे, वहाँ पे लाइफ टाइम भी लिखा हुआ है, लेकिन लाइफ टाइम नहीं देखना है, 365 दिन देखना है। तो चलिए हम 365 दिन को क्लिक कर लेते हैं। 365 दिन क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा जो आपका टोटल वॉच टाइम कितना हुआ है। तो हमारा देखिए 4000 से कुछ ज़्यादा है वॉच टाइम तो दिख रहा है, तो उसे वही ओरिजिनल आपका वॉच टाइम होगा। और आपको मोनो के लिए भेजना है तो आप ये वॉच टाइम देखकर ही मोनो के लिए आप YT स्टूडियो में भेज सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।